वज्रासन में बैठ के मंडूकासन, शशकासन, फिर सुप्त वज्रासन, उष्ट्रासन, पद्मासन में भी बैठ करके योगमुद्रासन, सुप्त पद्मासन, मत्स्यासन, फिर बैठ करके सीधे अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि एक अभ्यास क्रम उसको कराते हुए आपको कुछ बड़े तथ्य योग के कहना चाह रहे हैं। अंगूठे अंदर, उंगलियों पर मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां रख करके श्वास बाहर छोड़ करके पूरे पेट को दबा देंगे और आगे झुक करके ऐसे आधा से एक मिनट रुकना चाहिए। मैं कह रहा था योग से सब रोग मिटते हैं और हमने रोगों को मिटाया है, उसके पूरे प्रूफ हमारे पास में है, लाखों लोगों के एविडेंस, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स कि पहले डायबिटीज थी और पहले ही दिन से उन्होंने कपालभाति अनुलोम विलोम किया आधा आधा घंटा। डायबिटीज के लिए 10 अभ्यास बताते हैं हम, इसमें से जो 5 भी कर लेते हैं, मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, इतना भी कर लिया तो डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है, फिर क्योर हो जाती है, दवाइयां बंद हो जाती हैं कुछ दिनों में। एक एक अभ्यास को दो तीन बार से लेकर के 5-10 बार तक करवाना पड़ता है, तब जाकर के लाभ होता है। बिना सही तरीके के, बिना पूरा समय दिए, बिना पूरी मात्रा के लाभ नहीं होगा। इसे मैं कहता हूं योग में मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विधि पूर्वक राइट मेथड, राइट प्रोसीजर, सही तरीका, विधि पूर्वक जितना समय जिस अभ्यास को करना है उतने समय तक उस अभ्यास को करना ही चाहिए। मुट्ठियां बंद करके ऐसे हुआ, फिर हथेलियों के ऊपर हथेली ऐसे रख करके, मैं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दाया उसके ऊपर, इस तरह से ये मंडूक आसन का दूसरा अभ्यास होगा। और आधा से एक मिनट तक रुकना पड़ेगा नीचे, तब जाकर के पूरा लाभ होगा। कुछ लोग ऐसे ऐसे किया, ऐसे आ गए। बच्चे ऐसे करें तो ठीक है, जिनको कोई रोग विशेष नहीं है, उन्होंने 5-5 सेकंड भी कोई आसन कर लिए तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, एनर्जी का, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, उनकी बॉडी की शेप अच्छी रहेगी, वो सब ठीक है। बच्चों के लिए, जवानों के लिए 5-5, 10-10 सेकंड करें। जिनको रोग हैं वे आधा से एक मिनट एक बार में एक आसन करें और कुल 5 मिनट तक एक आसन करें। और जिनको मोटापा आदि है या कई बार स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाता है तो भुजंगासन उनको 25, 50 बार, 100 बार तक करना है, तो 2 दिन के अंदर ही जो टेढ़ी मेढ़ी कमर है वो ठीक हो जाती है, ये अनुभव है मेरे। आगे रुकना, वैसे रुक करके आधा से एक मिनट तक, जरा सुनना मेरी बात। पहले ही दिन से मैं कह रहा था डायबिटीज की दवाएं कम हो जाती हैं, जिनको इंसुलिन लगाना पड़ता है उनका इंसुलिन कम हो जाता है,
और धीरे धीरे बंद हो जाता है इंसुलिन, दवाइयां, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते, करना पड़ेगा ना। तो डायबिटीज की दवाइयां बंद, बस प्रारंभ में योगाभ्यास के साथ खीरा करेला टमाटर का जूस या मधुनाशिनी गिलोय घनवटी खिला दी, दूध में थोड़ा शिलाजीत ले लिया, अश्वगंधा ले लिया, दुर्बलताएं भी दूर होगी। डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन, ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस, ओबिसिटी ओबिसिटी की कॉम्प्लिकेशंस, एक एक रोग के दुष्प्रभाव होते हैं, उसको ऐसा बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, बीमारियां और बीमारियों के दुष्प्रभाव, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, दवाइयां और दवाइयों के साइड इफेक्ट, एक अभ्यास को ऐसे 1 से 5 मिनट तक किया जाता है। एकाग्रता पूर्वक, मैंने कहा विधि समय एकाग्रता और निरंतरता पूर्वक किया हुआ योग पूरा लाभदायक है। और हमने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को ऐसी रोग मुक्त किया, करोड़ों लोगों का वेट कम किया है, करोड़ों लोगों का बीपी शुगर ठीक किया है, करोड़ों लोगों का अस्थमा आर्थराइटिस रोमेटॉइड आर्थराइटिस हेपेटाइटिस और ऐसा लिया मैं सोटोमन डिजीज कैंसर जैसे रोग भी हमने हजारों हजारों लोगों को ठीक किया और इनमें सबके हजारों लाखों करोड़ों लोगों के हमारे पास में एविडेंस है। करीब 10 करोड़ लोगों के हमारे पास में एविडेंस है। पहले हम लोग ये डेटाबेस नहीं रखते थे, लेकिन अब पूरे हर एक जगह पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर है, वहां के सारे डेटाबेस हम कलेक्ट करते हैं। श्रद्धे पूज्य आचार्य बाक्सन जी ने पूरा एक इसके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया और इसके लिए आईटी की व्यवस्था पूरी टीम है काम करती है। जो भी हमारे पास रोगी आरोग्य के लिए आते हैं उनका पूरा डेटा मेंटेन करते हैं। रोग की पहले की स्थिति और उसकी बाद की स्थिति का पूरा हम मूल्यांकन करते हैं। एक एक अभ्यास को कम से कम 2-3-5 बार तक करना। आगे झुके तो मंडूकासन और शशकासन हो गया, पीछे झुकेंगे तो ये सुप्त वज्रासन हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं और हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं। प्रारंभ में पैर ऐसे थोड़े खोल भी सकते हैं क्योंकि सबके पैर ऐसे मिला के रखना उनके लिए मुश्किल होगा, नसें खींच जाएंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग दोनों तरह से बिल्कुल इजी तरीका है। ऐसे ही वज्रासन से उठे, एड़ियां ऊपर उठ गई, एड़ियां खड़ी हुई, पंजे खड़े हुए ऐसे, और श्वास अंदर भर के धीरे धीरे उठा लेना है, बहुत सहज तरीका। फिर जो प्रोफेशनल तरीका है इसका वो ऐसा है कि हाथ ऐसे लेकर के आए इधर से फिर दूसरी ओर से, फिर ऐसे वापस गए। ये तौर तरीके तो आयु के हिसाब से होते हैं। पद्मासन में बैठते हैं तो मैं कह रहा था बीपी क्योर होता है, थायराइड क्योर होता है, डायबिटीज क्योर होती है, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, अस्थमा क्योर होता है, ऐसे लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स, पाइल फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम, माताओं बहनों में संतान न होने की प्रॉब्लम, यूट्रस के फाइब्रस ओवरी की सिस्ट पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पुरुषों में भी स्पर्म काउंट का कम होना, उसकी उसका कम एक्टिव होना,
सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिजायर्स दोनों से मुक्ति, ये कितनी बड़ी बात है भाई। हाथ नीचे दाएं उसके ऊपर, पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन करते हुए आपको मैं ये बता रहा हूं कि योग के जो लाभ हैं वो बहुत जबरदस्त। जितना अधिकतम हो सके आगे झुक जाना और प्रयत्न हो कि ठोड़ी या माथा जमीन पर टिक जाए। जो है ऐसे माथा टिका सके ऐसे माथा टिका ले, और जो ऐसे ठोड़ी टिका सके तो ठोड़ी टिका ले। तो पायल्स फिशर फिस्टुला से लेकर के इनफर्टिलिटी, चाहे जिस कारण से हो, चाहे वो थायराइड के कारण से हो, हार्मोनल इंबैलेंस के कारण से हो, यूट्रस के फाइब्रोड्स के कारण से, ओवरी की सिस्ट के कारण से, पॉलीसिस्टिक ओवरीज के कारण से, मेंस्ट्रुएशन ठीक ना होने के कारण से, किसी भी कारण से इनफर्टिलिटी हो, हमने जिनको 10-20 सालों से संतान नहीं हो रही थी उनको योगा अभ्यास करवाया और लेडीज को शिवलिंग पुत्र जीवक दशमूलारिष्ट फलघृत शतावर चूर्ण स्त्री रसायन साधारण सी औषधियां दी और इनफर्टिलिटी दूर होगी। पुरुषों को यौनामृत चंद्र प्रभा शिलाजित रसायन अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली या मूसली पाक यौवन चूर्ण आदि दे दिया साधारण सी औषधियों से, और असाधारण रोग लोगों के मिटे और उनको असाधारण खुशियां मिली। यह है योग की महिमा। ऐसे आगे झुक करके रुका जाता है, जिससे जितना बन पाए उतना कर ले। एक एक अभ्यास को ऐसे आधा आधा एक एक मिनट करके 5 बार 10 बार 15 बार तक, और असाध्य रोगों में तो एक एक अभ्यास को, जैसे किसी को मोटापा है, किसी को मेरुदंड की समस्या है, तो भुजंगासन ही 25-50-100 बार करवा दिया। तो कोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन जो भी करवाते हैं, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन 25-50-100-100 बार करवा देते हैं। जिससे जितना बन पाए योग मुद्रासन दो तरह से। अब जिनका शरीर हल्का होता है वो तो तीसरे तरीके से भी कर लेते हैं, पीछे से ऐसे पैरों को पकड़ लिया और फिर पकड़ करके आगे झुक गए, और ऐसे ठोड़ी या माथा जमीन, पद्मासन में पीछे झुक गए तो सुप्त पद्मासन हो गया, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है इसलिए मत्स्यासन कर सकते हैं।
ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छा है अभ्यास। फिर पैर सीधे करके, एक तो अर्ध मत्स्येन्द्रासन होता है, एक पैर को ऐसे मोड़ा, दूसरे पैर को घुटने के बाहर ऐसे रख दिया, बाएं हाथ से दाएं पैर को ऐसे क्रॉस करते हुए पंजे को ऐसे पकड़ लिया और ऐसे घूम गए अर्ध मत्स्येन्द्रासन। एक तरफ से करने के बाद दूसरी तरफ से भी ऐसे ही, कुछ से इतना ही हो पाएगा, कुछ से ऐसे हो पाएगा, इतना जिससे जितना हो पाएगा उतना अर्ध मत्स्येन्द्रासन, और जिनसे ये ना हो पाए तो ऐसे वक्रासन तो सभी कर सकते। तो मैं कह रहा था असाध्य रोग योग से मिटते हैं और उनको मिटाया हमने। साधारण से योगाभ्यास करवा करके, और योगाभ्यास में भी मुझसे पूर्व भी बहुत से योगी योग करा रहे थे, अभी भी करवा रहे, लेकिन वो ज्यादातर आसनों और व्यायाम पर केंद्रित होते। मैंने सर्वाधिक प्राणायाम का अभ्यास कराया, मैंने अपने अभ्यासों में 99% प्राथमिकता प्राणायाम को दी, ओंकार ध्यान को दी। वक्रासन, गोमुखासन, बाएं पैर नीचे दाएं ऊपर। और आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं कि जिनको भी असाध्य से असाध्य रोग है वो योग से मिटेंगे, बस एक ही शर्त है, योगाभ्यास में प्राणायाम को 90 से अलग अलग रोग के हिसाब से 99% तक प्राणायाम को ओंकार और ध्यान और गायत्री ध्यान के साथ करते हैं तो और अधिक लाभकारी हो जाता है, उसको प्राथमिकता देना। बाएं पैर नीचे दाएं पैर ऊपर, तो दाएं हाथ ऊपर, बाएं हाथ पीछे से, तो फिर आप सारे रोगों को मिटा सकते हैं। जैसे मैंने कहा उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, ऐसा नहीं एमएस ऑटोमेटिक डिजीज कैंसर की बीमारी, अर्थराइटिस रोमेटाइड अर्थराइटिस है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, लंग फाइब्रोसिस है, लिकोडर्मा है, हेपेटाइटिस है, कोलाइटिस है, कोरोना, स्नोरिंग स्लीप एपनिया, थायराइड की प्रॉब्लम। तो 100% प्राणायाम से ही लाभ होगा, आसन लाभ नहीं करेंगे इन चीजों, लाभ करेंगे भी तो बहुत थोड़ा सा, इसलिए वो नगण्य सा है। इसलिए मैंने कहा 90 से 99% प्राणायाम से ही लाभ होगा। ये तो 100% लाभ वाले मैंने क्षेत्र कहे, बाकी भी शेष दूसरे क्षेत्रों में भी प्राणायाम से अधिक लाभ होगा, इसलिए मैं प्राणायाम को अधिक प्राथमिकता देता हूं, लेकिन आसन भी कराता हूं। ये फिजिकल स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, शरीर को शेप में रखने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए इनकी भी एक भूमिका है, मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन प्राथमिकता प्राणायाम को दें, ध्यान को दें।